साल का एक दिन जिसमें तेरी खुशबू न हो, रुसी है ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू न हो। मेरी पहली मोहब्बत है वो तो हम हुनर हाट में खड़े हैं शॉप नंबर 148 रामपुरी वायलिन। तो इनके गिटार की आवाज़ ने हमको यहाँ पे खींचा, इनके धुन ने हमको यहाँ पे खींचा, और ये साथ साथ इस दुकान को भी यही संभालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आए जहाँ पे रामपुर में वायलिन बनते हैं और कहीं नहीं बनते, पूरे इंडिया में सिर्फ रामपुर में वायलिन बनते हैं। 1966 से हमारे यहाँ काम हो रहा है और वायलिन्स अलग अलग वुड से बनते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं। जैसे ये वायलिन है ये बकान वुड में है। अच्छा जी, इसके अंदर ही इसको कहते हैं टेलपीस, इसको कहते हैं चेन रिस्ट और इसको कहते हैं एबनी फिंगर बोर्ड। वुड अलग अलग होती हैं, जैसे ये तुन वुड में आ गया, इसमें इंडियन वुड्स हैं ये, और एक आता है जर्मनी वुड से मैपल वुड। वो वाला हमारा सेल आउट हो चुका है, वरना मैं दिखाता आपको ज़रूर। वो ज़रा प्रेशियस होते हैं वायलिन। तो आपका ये पहला हुनर हाट है? नहीं, दूसरा है सर हमारा रामपुर में। 23rd लगा था हुनर हाट, तो रामपुर में भी हमने पहली बार लगाई थी बाय द हेल्प ऑफ आवर DM सर। उन्होंने हमें यहाँ पे लाने के लिए कहा था कि हुनर हाट में आप लगाइए। आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हो? जी सर, हमारा इंडोनेशिया भी गए, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब यहाँ पे भी गए हैं, और पूरा ऑल ओवर इंडिया में तो जाता ही है। यहाँ पे लखनऊ में भी जाता है हमारा, सब जगह होल सेल प्राइस में जाता है। तो सर ये मेरा कार्ड है, अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट हो वायलिन की, इंस्ट्रूमेंट की, कोई से भी इंस्ट्रूमेंट की, अच्छे अच्छे वायलिन मिलेंगे बिगनर से प्रोफेशनल तक के, और ये हमारा कार्ड है, आप देख सकते हैं कार्ड। तो ये था रामपुर का हमारा म्यूजिकल सफर, और हमने ये भी जाना कि रामपुर के सिर्फ चाकू ही नहीं और भी चीज़ें मशहूर हैं। जाते जाते हम आपको इस सुरीली सी आवाज़ के साथ छोड़ के जाएंगे। जुड़े रहिए सफ़र खाना के साथ।